इस सेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला का फंक्शन का उपयोग हम बताने जा रहे हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। ये फंक्शन का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, आगे के सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह से उसका उपयोग करेंगे, किस तरह से उसका उपयोग हम अटेंडेंस शीट के साथ कर सकते हैं, किस तरह से उसका उपयोग हम सैलरी शीट के साथ कर सकते हैं, किस तरह से और भी जगह पे हम काउंटा, काउंट, काउंट इफ और इन सारे फंक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। तो आपका जो एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन में बेसिक क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है कि किस तरह, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंटे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बहुत नया नया चीज मिलने वाला है। तो इसमें, इस सेशन में काउंटा, काउंटा का उपयोग होता है किसी भी सेल में अगर न्यूमरिक वैल्यू दिया हुआ है तो सारे के सारे न्यूमरिक वैल्यू, कितने ऐसे सेल्स हैं जिसमें कि न्यूमरिक वैल्यू डाला हुआ है, उसको काउंट करके बता देगा। अगर काउंट ए का हम बात करें तो काउंट ए फंक्शन के मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है, हमारा जो डेटा है, उस पूरे के पूरे रिकॉर्ड में हमने जो सेल का रेंज दिया हुआ है, उस सेल्स रेंज में कितने ऐसे सेल्स हैं जिसमें कि न्यूमेरिक वैल्यू डाला हुआ है या टेक्स्ट डाला हुआ है या कोई आर्गुमेंट डाला हुआ है, कोई फंक्शन डाला हुआ है, उन सारे सेल्स को काउंट करके बता देगा कि कितने सेल्स ऐसे हैं जिसमें कि इन सारी चीज़ों का उपयोग किया हुआ है। इसके बाद काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक के मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि किस किस सेल में जो हमने रेंज डाल के रखा हुआ है, उतने सेल रेंज के बीच में कौन कौन सा ऐसा सेल्स है जो ब्लैंक है, खाली है, जिसका अभी तक हमने कोई उपयोग नहीं किया है। अगर हम बात करें काउंट इफ का, तो काउंट इफ के मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि कोई भी एक आर्गुमेंट, कोई भी एक सेंटेंस या एक वर्ड आपके रिकॉर्ड में कितने बार यूज किया गया है, वो हम बात कर सकते हैं। तो आपको इसका अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, काउंट से क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्स के न्यूमेरिक वैल्यू को, जिस भी सेल में न्यूमेरिक वैल्यू डाला हुआ है उसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट ए से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल में कुछ भी लिखा हुआ हो, चाहे वो नंबर हो या टेक्स्ट हो, उसको काउंट कर सकते हैं। ये अंतर, बेसिक अंतर है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद काउंट ब्लैंक से, जैसा कि नाम ही है ब्लैंक, तो ये हमको काउंट, टोटल ब्लैंक सेल को काउंट करके बता देगा कि कितना सेल्स है हमारे पास। उसके बाद काउंट इफ है, काउंट इफ से हमको ये पता चलता है कि एक ही वर्ड या एक ही टेक्स्ट कितने बार रिपीट हुआ है आपके सेल्स रेंज के अंदर, वो बता देता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट, फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काउंट फंक्शन का किस तरह उपयोग करते हैं। काउंट फंक्शन के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो काउंट फंक्शन के मदद से हम लोग सिर्फ और सिर्फ काउंट कर सकते हैं उस सेल को जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ नंबर का उपयोग किया गया हो। तो हम जो भी सेल का रेंज डालेंगे, उस सेल रेंज के अंतर्गत कितना ऐसा सेल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर का उपयोग किया गया है, तो वो हम जान सकते हैं काउंट फंक्शन के मदद से। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरह से इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, अब मैं बता रहा हूँ काउंट। काउंट के लिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेटा को तैयार करके रखा है और अब फंक्शन का यूज करेंगे काउंट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, काउंट फंक्शन या किसी भी फंक्शन का उपयोग करने से पहले इक्वल टू सिंबल का उपयोग करना अनिवार्य होता है। तो हमने यहाँ पे लगाया इक्वल टू और लिखते हैं यहाँ पे C O U N T, काउंट, और ब्रैकेट को ओपन करते हैं।
ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा सेल रेंज। तो सेल रेंज के लिए इस सेल A1 से लेके हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं A11 तक हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन हमको दिखाएगा कि इस रेंज के अंतर्गत कितने ऐसे सेल्स हैं जिसमें कि नंबर न्यूमरिक वैल्यू लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स ऐसे सेल हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ नंबर न्यूमरिक वैल्यू लिखा हुआ है और हम इंटर बटन को प्रेस करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सिक्स ऐसे सिक्स सेल्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर का वैल्यू उपयोग किया गया था वो हमें दिख जाता है। दूसरा है काउंट ए। काउंट ए फंक्शन भी बहुत मजेदार और बहुत यूजफुल फंक्शन है। काउंट ए फंक्शन के मदद से हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो सेल्स का रेंज है उस सेल के रेंज में कितने ऐसे सेल्स हैं जिसमें कि ब्लैंक नहीं है। ब्लैंक सेल को छोड़ करके उस सारे के सारे सेल को काउंट करेगा जिसमें या तो टेक्स्ट लिखा हुआ हो या नंबर लिखा हुआ हो या कोई फार्मूला का कंटेंट लिखा हुआ हो, उस सारे के सारे सेल्स को काउंट करके बताएगा कि कितने ऐसे सेल हैं जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए यूज करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट ए, ब्रैकेट को ओपन किए और यहाँ पे फिर से मैं इसी सेल रेंज को रिपीट कर रहा हूँ A1 to A11 और ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ नेम, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो काउंट ए को कोई मतलब नहीं है कि टेक्स्ट है या न्यूमेरिक वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैंक सेल को ही छोड़ेगा, बाद बाकी सारे के सारे सेल को ये काउंट करके बताएगा कि कितने सेल्स हैं जिसमें कि वैल्यू लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ब्लैंक सेल और ये 9। अब यहाँ मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे इंटर बटन प्रेस किए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ गया रिजल्ट 9। तो 9 ऐसे सेल्स हैं जिसमें कि न्यूमेरिक वैल्यू या टेक्स्ट वैल्यू या कोई फार्मूला यूज किया हुआ है। अब है बारी काउंट ब्लैंक का। तो जैसा कि फंक्शन ही बता रहा है काउंट ब्लैंक मतलब जो भी रेंज हम यहाँ पे डालेंगे उस रेंज के अंदर कितने ऐसे सेल्स हैं जो ब्लैंक है, खाली है, जिसका कि हम लोग उपयोग नहीं किए हैं। तो उसके लिए भी इक्वल टू सैंपल का उपयोग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और फिर से मैं इसी सेल रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ A1 to A11 एंड इसको मैं ब्रैकेट से क्लोज किया और इंटर बटन में प्रेस करता हूँ। इंटर बटन प्रेस करने से पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल A5 सेल हमारा ब्लैंक है, मतलब A1 सेल हो गया। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं A10 जो सेल है वो भी हमारा ब्लैंक है। दैट मीन्स इस जो हमने यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट किया हुआ है इस पूरे के पूरे रेंज में दो ऐसा सेल है जो ब्लैंक है। तो चलिए मैं इंटर बटन को प्रेस करता हूँ, जैसे मैं इंटर करूँगा तो वहाँ पे रिजल्ट होगा 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट आ गया हमारा 2, मतलब दो ऐसे सेल्स हैं जो बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। तो आप एक बार ध्यान रखें कि काउंट से हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेल को ही काउंट कर सकते हैं, काउंट ए से न्यूमेरिक टेक्स्ट या फिर कोई भी फंक्शन कंटेंट है तो उसके सेल को काउंट कर सकते हैं, और काउंट ब्लैंक के मदद से हम लोग ब्लैंक से कितने जो हमने रेंज डाला है उस रेंज के अंतर्गत कितने ऐसे सेल्स हैं जो ब्लैंक है उसको हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं काउंट ब्लैंक के मदद से। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों, और अक्सर आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए, काउंट और काउंट ए में क्या अंतर है। ये हमेशा आता है और आप समझ चुके होंगे कि काउंट और काउंट ए में क्या अंतर है। अगर आप समझ रहे हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन के मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि कोई भी नाम, जैसे आप यहाँ पे जो डेटा हमारा दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं पीहू, ये 2 लिखा हुआ है। दैट मीन्स इस डेटा में पीहू नाम का मतलब क्लास 5 में पीहू नाम के दो बच्चे हैं, एक आप देख सकते हैं 14 में है, दूसरा है
17 में। उसी तरह से आप देख सकते हैं अभी अभी नाम का एक ही बच्चा है इस क्लास में, तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है। आप अनमोल को देख सकते हैं, यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको। मैं यहाँ पे दिखा दूँ, अनमोल यहाँ पे 60 नंबर रॉ में है और एक है 22, टू टाइम्स है इसलिए 2 दिखा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंट इफ। काउंट इफ के लिए करना क्या होता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं फंक्शन का उपयोग करने के लिए बता रहा हूँ। और इससे संबंधित जब हम सैलरी शीट बनाते हैं तो इससे इन सारे फंक्शनों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब हम स्टूडेंट का अटेंडेंस शीट बनाते हैं उस समय इस फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमको काउंट करना है कि कौन से बच्चे कितने दिन परसेंट थे क्लास में, कितने दिन अबसेंट थे, वो सारा का सारा काउंट करके बताता है हमारा काउंट इफ फंक्शन। वो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा और इससे संबंधित बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं काउंट इफ के लिए। तो काउंट इफ के लिए भी करना क्या है, बस इक्वल टू सिंबल का यूज करेंगे और यहाँ पे काउंट और इफ फंक्शन लगाए, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं सेल रेंज दे रहा हूँ। इस बार सेल रेंज हमारा हो गया A14 टू A24। आप देख सकते हैं यहाँ पे A14 टू A24, ये हमने यहाँ पे सेल रेंज डाला। और अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और क्रिटेरिया देना पड़ेगा कि किस चीज़ को आप देखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्रिटेरिया को मैं पीयू सेलेक्ट करता हूँ। ये हमारा क्रिटेरिया सेलेक्ट हो गया और इस सेल का रेंज है A14। मैं यहाँ पे अब इसको ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और अब मैं इंटर बटन को प्रेस करता हूँ। जैसे हमने इंटर बटन प्रेस किया तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखा रहा है 2। दैट मीन्स इस पूरे के पूरे सेल रेंज में पीहू 2 बार रिपीट हुआ है, एक बार 40 नंबर रॉ में और सेकेंड टाइम आप देख सकते हैं पीहू 70 नंबर रॉ में रिपीट हुआ, तो ये दिख गया 2। यदि और भी और सारे के सारे कंटेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे डबल क्लिक करिए और ये आपका ड्रैग हो गया। आप देख सकते हैं पीहू 2 बार, अभिनव अभी नाम का 1, अनमोल 2, पीहू 1, चंदन नाम का 2, पद्मा के सारे नामों का एक एक स्टूडेंट ही क्लास 5 में है। तो ये था हमारा फंक्शन काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। इससे संबंधित अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे आपके साथ किस तरह से हम अटेंडेंस शीट को क्रिएट करते हैं और उसमें किस तरह से हम पता कर सकते हैं कौन सा स्टूडेंट कितना दिन क्लास में प्रेजेंट था, कितना दिन क्लास में अब्सेंट था, और साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि कितना दिन विद्यालय खुली हुई थी। तो वो सारे का सारा चीज़ हम आपको आगे बताएंगे, उसमें भी काउंटा फंक्शन का उपयोग होगा। तो आज इस वीडियो में यहाँ इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।